किसी भी न्यूज रूम में जाकर देखें तो उसका सामाजिक और बौद्धिक चरित्र बदल गया है। डरपोकों की जमात पैदा हो गई है। अब आपको किसी एडिटर को हटाने की जरूरत नहीं है। इसमें मेहनत क्यों कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे जो मीडिया के जो लोग थे वो नए नए संबंधों को बनाने में लग गए। उनको लगा कि कोई एक मजबूत नेता आया है और जो चिरकाल तक रहेगा, अवतार है, रहें वो। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं कि वही रहें। अगर बिना कुछ किए झूठ बोल के उन्हें रहना है तो आप रहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सिस्टम पे हमला किया और सब ने चरमरा के धर्मरा के नीचे के लिए आए, ये डरावना था। और वो उस डर को सब अपने अपने घर से लंच बॉक्स में लाते थे, न्यूज रूम में खोलते थे। एक रोटी भय का आप लीजिए, एक आलू का परवल, आलू परवल भय के साथ आप खाइए। और हम रोज उस डरने को लंच में जाते जाते डिनर में इतना वो डर कंज्यूम कर चुके होते थे कि रात को शो में जाने से पहले हाथ पांव कांप रहे होते थे कि हुजूर कहीं नाराज ना हो जाए। 2018 से लेकर मई 19 के बीच इतना झूठ बोला जाएगा जितना भारत की पूरी सभ्यता की यात्रा में नहीं बोला गया होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि झूठ बोलने के इतने तरीके आएंगे कि आप उसका पर्दाफाश करते करते हाफ के उसके आगे सरेंडर कर देंगे। उन्होंने राजनीति में झूठ को लेजिटिमाइज किया है। वो दुनिया के सबसे अमीर गरीब नेता हैं। वो जब अपने आप को गरीब कहलाते हैं तो करोड़ों की रैली होती है, एलईडी स्क्रीन लगाकर हेलीकॉप्टर से आकर गरीब की तरह लॉन्च करते हैं। उसमें गरीब का कुछ भी एलिमेंट नहीं होता सिवाय उनके दावे के। इस लोकतंत्र को इस हालत पे ना पहुंचाइए कि एक जज की मौत हो जाए और हम सवाल ना करें। इस हालत पे मत पहुंचाइए कि एक पार्टी चार साल के कार्यकाल में कितने सौ करोड़ का, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, क्या पता डिफेमेशन हो जाए, वो भी तो एक बीमारी है ना, तो वो हो जाए, मुख्यालय बना ले और हम सवाल ना करें।